तो जो स्वयं की खोज है उसके लिए आपको ध्यान सबसे अच्छा मार्ग है। मन माने मार्ग से काम नहीं चलेगा, मार्ग अनेकों हैं, लेकिन वो मन माने बहुत मार्ग अपने अनुसार चला लेते हैं। मैं ध्यान करने के लिए बोलता हूँ, वो भागते रहते हैं इधर उधर। मैं बोलता हूँ कि आप बैठ करके बिना हिले ध्यान कीजिए। वो बोलते हैं हमने ठाकुर जी की सेवा ले रखी है, भोग के लिए 2 घंटे समय लगता है बनाने के लिए। मैं बोलता हूँ 2 घंटे आप ध्यान कीजिए। अगर आपका ध्यान 2 घंटे लग गया तो परमात्मा के सीधा भोग ही लग जाएगा चरणों में। आपको इस संसार के भोग की, संसारिक मूर्तियों की न इच्छा रहेगी न भोग रहेगा, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं वो कहाँ से मूर्तियाँ लाएगा, कहाँ से 56 भोग बनाएगा, कहाँ से व्यंजन बनाएगा। और संतों के पास तो धन का भाव सदा से ही रहा है। इतना आसान नहीं होता संत बनना। संत सबसे लड़ लड़ करके इस संसार, क्योंकि प्रकृति भी उनका साथ तब तक नहीं देती जब तक प्राप्ति नहीं होती। जब प्राप्ति हो जाती है तब प्रकृति उसका साथ देने लगती है, उसके साथ चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब तक प्राप्ति नहीं होती उसकी शत्रु ही बनी रहती है हर कदम के ऊपर। आपने भी देखा होगा जब आप ध्यान के अंदर बैठते हैं, अनेकों अनेक विचार के बादल बाउंडर की तरह से आकर के घेर लेते हैं, जो पूरा दिन भी कुछ बातें याद नहीं रहती, न याद आती है, न विचार आता है, न ध्यान आता है, न कोई शब्द ऐसा उठ करके आता है। जो ही आप ध्यान में बैठे ऐसे उठ उठ के बाउंडर आएंगे, मन को उड़ा करके ले जाएंगे और आपका ध्यान एक पल भी नहीं लगेगा। कुछ लोगों का ध्यान लगने लगे तो एकदम से जो फोन रखा होता है एकदम से ध्यान वहाँ रहता है, अभी बजेगा अभी बजेगा अभी बजेगा। कुछ लोगों का ध्यान पैरों में लगा रहता है कि अभी दर्द होगा थोड़ी देर में उठ जाऊँगा। कुछ लोगों का ध्यान घड़ी के अंदर लगा होता है कि इतने मिनट हो गई, इतना टाइम हो गया, इतना समय चल रहा है। कुछ लोगों का ध्यान माला के अंदर लगा रहता है, कितने मन के कर दिए हमने, गिनती करते रहते हैं। कुछ लोगों का ध्यान बच्चों के अंदर लगा रहता है, कुछ लोगों का ध्यान दरवाजे के ऊपर लगा रहता है, अभी डोरबेल बजेगी, घंटी बजेगी और एकदम से कोई आएगा, उठना है। कुछ लोगों का ध्यान जो आवाज़ होती है घर के अंदर उसके ऊपर लगा रहता है और बैठा बैठा ये सोचता रहता है अभी चाय बन रही है, अभी खाना बन रहा है, अभी गैस चला दी गई है, अभी भैंसों की तरफ गए हैं, अभी आ गए हैं, अभी थोड़ा धुआं कर दिया गया है, अभी ठंड हो गई है, अभी पोछा लगाएंगे। बैठे बैठे ये विचार कि सारा काम बस होने वाला है, कल भी इसी टाइम पे उठे थे ध्यान से, आज भी इसी टाइम पे उठ जाते हैं, फिर सोचता नहीं अभी तो 2 मिनट और रहने दो फिर खड़े होंगे। क्या ये ध्यान है मेरे भाई? ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान से भागना है। ध्यान वो है फोन बजे सुनाई ना दे, ध्यान वो है बच्चे आ करके लिपट जाएं महसूस ना हो, ध्यान वो है आवाजें आती रहे अंदर तक आवाज ना जाए, ध्यान वो है शरीर का आभास ना हो, ध्यान वो है कोई आए कोई जाए पता ही ना चले, ध्यान वो है जो सुमरन के ऊपर इतना गहरा उतर जाए कि कुछ भी अंदर से के आभास के बिना बाहरी वस्तुएं प्रभावित ना कर सके। ध्यान वो ताकत है, उसको हम ध्यान मानते हैं। कुछ लोग बैठे बैठे कमर को लगाया और सो गए और बोलते हैं उठ करके, अरे चारों तरफ देखते हैं, बोलते हैं मेरा तो ध्यान लग गया। वो ध्यान नहीं भाई, वो आलसपना है, वो आलसी मन है, वो आपका जो आपने सब कुछ अपने अनुसार तैयार कर लिया वो है। लेकिन ध्यान वो ताकत है जो अंदर में विराजमान ताकत को जगाने का प्रयास करती है और उसको जगा करके ऊपर चढ़ाना शुरू करती है। वो ताकत है जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो 2 जीवन जीता है,
जो साधारण व्यक्ति होता है वो मात्र एक जीवन जीता है, मात्र संसारी जीवन जीता है, संसार के साथ रहता है, संसार में डूबा रहता है, सांसारिक कार्य करता रहता है, संसार के भोग विलास करता रहता है, इसी में फंसा रहता है और इसी में अंततः डूब जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जीव है, जिन्होंने आध्यात्म का पता चल गया, गुरुओं का पता चल गया, ध्यान का मार्ग पता चल गया, परमात्मा का कुछ रहस्य उन्हें पता चल गया, उन्हें पता चल गया जीव क्या ताकत है, ब्रह्म क्या ताकत है, किस प्रकार से उसकी पहचान होती है, कैसे उसको पाया जाता है, संतों की शरण में चला गया, पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो गई, वो लोग दोहरा जीवन जीते हैं और दोहरा जीवन भी इतना गहराई के साथ जीते हैं, वो आत्मा के साथ भी जीते हैं, वो शरीर के साथ भी जीते हैं, उनकी आत्मा भी तृप्त होती है, शरीर भी तृप्त होता है, और संसारी व्यक्ति का न शरीर तृप्त होता है न आत्मा तृप्त होती है, बस भाग दौड़ मची रहती है और अंदर में तालमेल मचा रहता है, न मन कंट्रोल में होता है, न विचार कंट्रोल में होता है, न इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं, और सब कुछ अस्त व्यस्त और इसी प्रकार से विनाश कर लेता है जीव। लेकिन जो आध्यात्मिक जीव हैं, जो आध्यात्मिक आत्माएं हैं, वो दोनों जीवन को बड़ा अच्छी तरह से निभाते हैं, अपने किरदार को इस प्रकार से निभाते हैं, जिस प्रकार से आप समझिए कि कोई व्यक्ति अधिकारी लगा हुआ है, जब वो ऑफिस के अंदर होता है तो अधिकारी होता है, जब घर आता है तो एक गृहस्थ बन जाता है, उसी प्रकार से ये आत्माएं जब ध्यान के ऊपर बैठती हैं तो आत्मा के साथ होती हैं, जागृति के साथ होती हैं, और वहां से नीचे उतर करके आए तो घर गृहस्थी में वो लोग बड़ा ही कुशल प्रकार से कार्य करते हैं और बड़ी श्रेष्ठ प्रकार से अपनी गृहस्थियां निर्वाह करते हैं। कोई ये समझे घर बीच में छोड़ करके भाग लिए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, बड़ा तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है, बहुत तीव्र वैराग्य, इतना इतना तेज वैराग्य चाहिए कि अगर एक पल एक कदम भी इधर उधर डिगा विनाश हो जाएगा, जीव का भी, जीवन का भी और जन्म का भी। और गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ पाया जा सकता है, छोड़ करके भागना किसी कायर का काम होता है, और जो वीर होते हैं वो यही पा लेते हैं, वो जो महावीर होते हैं वो अपनी इंद्रियों को जीत करके, मन को जीत करके, बुद्धि को जीत करके, अहंकार को जीत करके और वहाँ तक पहुँच जाते हैं। सबसे पहले पात्र बनना आवश्यक है, जितने भी जितने की नदियां हैं सब की सब हिमालय से निकल करके आती हैं और सीधा जाती कहाँ है, जाती उस गहरी खाइयों के अंदर है और वो रास्तों के अंदर से निकलती हैं, चारों तरफ जो हिमालय के खाई है गहरी उसके अंदर से होती हुई इस धरा के ऊपर भागने लगती हैं। उसी प्रकार से जब आप पात्र हो जाओगे, परमात्मा की जो कृपा बरस रही है, वो कृपा रूपी जो बर्फ है वो पिंगल पिंगल करके आपके जीवन में आने लगेगी, रसधार बहने लगेगी, आप उसको ग्रहण करते करते उस अनंत तक पहुंच जाओगे और ये आत्मा तृप्त हो जाएगी। लेकिन इन रहस्यों को समझना इतना आसान और सरल नहीं होता, कथाओं को समझना सरल होता है, जो पुरानी चीजें इकट्ठी कर कर के तालियां बजवाई जाती हैं वो सरल होता है, छोटे मोटे कोई संगीत में शामिल हो करके और उनका उपयोग किया जाता है वो सरल होता है। लेकिन गहरे ध्यान को समझना, उस परम तत्व को समझना, उस परम के मार्ग को समझना, उस सच्चे बादशाह के चरणों तक पहुंचना और वहां के भेदी संत के जो रहस्यमय शब्द होते हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कबीर दास ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसको भी मैंने सार समझाया, जिसको भी मैंने सार बताया, शत्रु वही हो गए,
तो जिनको भी उन्होंने सार समझाने का प्रयास किया, जिन्होंने जब उन्होंने उस परम सत्ता को समझाया, उस परम शब्द को समझाया, उस परमात्मा के गहरे भेद के बारे में बताया, आप इतिहास उठा उठा करके देखिए, वही लोग जिन्होंने उनके जितना नजदीक गए, जिनके सामने रहस्य के भेद को खोला, वही लोग उनके शत्रु हो गए, क्योंकि वो योग्य नहीं होते। कि संसार में योग्य मिलना बहुत कठिन होता है, लेकिन संत सोचते हैं योग्य बन जाएंगे, योग्य बना लेंगे, अपने जीवों को हम अपनी तरह से तैयार कर लेंगे और प्रयास करते हैं, मौका देते हैं, लेकिन इस मौके में वो बहुत कुछ गवा देते हैं, खो जाता है बहुत कुछ। और वो जीव जो योग्य नहीं होते, उनको अगर उस रहस्य को समझा दिया जाए, उस तत्व को समझा दिया जाए, उस ज्ञान को करा दिया जाए, वो उसी के शत्रु होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो योग्य नहीं है, और योग्य मिलना बड़ा कठिन होता है। अगर योग्य को वो सार समझा दिया जाए, योग्य हिलते नहीं, उस परम तत्व के चरणों से सीधे पहुंच जाते हैं, एक पल भी नहीं लगता, एक पल की भी दूरी नहीं होती कि एक पल तो लग जाए। कितना समय लगता है सार जानने में, घोड़े के रकाब के अंदर इतना पैर डाला, इतनी देर में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो कितना समय लगा आप देख लीजिए, एक पल का समय लगा। श्री कृष्ण जी ने भी यही बात बोली कि एक श्वास, आखिरी श्वास में भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने भी कितना समय बताया है, एक सांस कितना लंबा होता है, कितना सा होता है, आप अंदाजा लगा लीजिए ज्ञान कितने समय में हो सकता है। लेकिन उस ज्ञान को पाने के लिए हमें उस हिमालय की खाई की तरह से गहरा होना पड़ेगा, और जो गहरा हो गया, जो अंदर में उतर गया, अपने आप को पात्र बना लिया, वो जीव खोज करके उस परम तत्व, परम ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं।